शाम का टाइम हो चुका है तो मैं डेली की तरह अपनी वॉक पे निकल आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज फिर से एक वीडियो बना ली जाए। तो अभी मैंने रात का खाना भी जल्दी से रेडी कर दिया है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से ना खाना बना के फिर बाहर वॉक पे भी चली जाऊँगी और मैं वीडियो भी बना लूँगी। तो आज मैंने रात के खाने में बनाई है फ़िश, और उसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी शाम का वक्त हो चुका है और बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा। मेरा आज का दिन अच्छा गुज़रा, आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, आज गर्मी कम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मज़दूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यू घर बन रहा है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक सहेली है जिसका पीछे घर बन रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो भी यहाँ पे आ जाएगी तो हम आपस में बातें करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देख रहे हैं आप पीछे लोग काम कर रहे हैं, अभी घर की DPC बन रही है, फिर जल्दी से ये घर बन जाएगा इंशाल्लाह, एक मंथ के अंदर ये घर बन जाएगा और मेरी दोस्त यहाँ पे आ जाएगी। दोस्त अच्छी गिर गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस बच्चे की बकरियाँ हैं। यहाँ से भी आ रही हैं। अभी मैं वॉक कर रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा मैं वॉक करूँगी और उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो फिर जल्दी से मैं वीडियो को एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ वॉक पे आई है और मेरी वीडियो बनाने में भी यही हेल्प करती है। देखिए कितना प्यारा मंजर है। आपका आज का दिन कैसा गुजरा व्यूवर्स बताइएगा, आपकी डेली रूटीन क्या है वो भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी भी वॉक कर रही हूँ और आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि मुझे आपको ये बताना था कि मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ही अच्छी सी 3 ड्रेसेस लेके आई है, वो कल आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी ड्रेसेस थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेंगी। वो मैं ड्रेसेस आपके साथ कल शेयर करूँगी अपनी वीडियो में। बहुत ही प्यारी, बहुत ही रिसेंट सी स्टिच ड्रेसेस ना 3 पीस अम्मी लेके आई है मेरे लिए। आज अम्मी ने कहा कि चलो तुम भी चलो शॉपिंग करने, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे घर का बहुत सारा काम करना था, इस वजह से मैं नहीं गई। जी तो आज मैं शॉपिंग पे इस वजह से नहीं गई क्योंकि मुझे घर का बहुत सारा काम करना था। 7 दिन से मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी, लेकिन आज फिर मैं नहीं जा सकी। लेकिन अम्मी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके आई हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और कल आपको दिखाऊंगी। जितनी मुझे पसंद आई हैं मुझे लगता है कि आपको भी वो इतनी ही पसंद आएंगी। यहाँ पर पीछे भी एक घर बन रहा है, ये मेरे यहाँ भी एक घर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी घर बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंज़र है आज का, तो बहुत ही ज़्यादा। मैं जल्दी से अभी घर जाती हूँ और आपके लिए वीडियो एडिट करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको वो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें।
ये देखें कितनी प्यारी सी बकरी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बच्चे मेरे पास इसको लेके आए, कह रहे थे कि आप ही आप इसके साथ एक वीडियो बना लें। देखिए कितनी ही प्यारी बकरी है। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए हैं, जिनको मैं मोटी मोटी साइज में काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं चॉपर के थ्रू प्याज को काटूंगी ताकि जल्दी जल्दी से हमारे प्याज कट जाएं। तो ये देखिए, ये चॉपर है, ये मैंने मार्केट से लिया था, मुझे 1500 का मिला है। डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल रहा है, आपकी मार्केट में शायद इसका रेट अलग हो। तो अभी हम इसको कवर करेंगे। चॉपर में प्याज काटने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी आँखें आंसुओं से बच जाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलते हैं मेरे तो प्याज काटते हुए, और उसके बाद आपका टाइम भी ना बच जाता है। तो यहाँ पे प्याज अटक रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। तो हमारे प्याज कट चुके हैं चॉपर में। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, टिंडे लिए हैं, हरी धनिया ली है, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची ली है। तो आज हम फिश के साथ ना आलू और टिंडे भी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, अभी इसमें ना मैं प्याज ऐड करूँगी जो कि मैंने चॉपर में काट के रखे हुए थे। तो नाज़रीन देखें कितने ही ज़्यादा प्यारे से अच्छे से हमारे प्याज कट चुके हैं, कितनी ही प्यारी कटिंग में कट चुके हैं। आपने देखा था कि मैंने कितनी ज़्यादा ना मोटी साइज़ में प्याज काटे थे, लेकिन यहाँ पे देखें कितनी ना अच्छी तरह से प्याज कट चुके हैं हमारे। तो अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। अच्छी तरह से चॉपर से आपको सारे प्याज ना निकाल के कढ़ाई में ऐड कर देने हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो इसमें। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दूंगी। मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है मेरा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं अकेली वीडियो बना रही हूं तो मोबाइल थोड़ी सी हिल रही है। और अभी मैंने ट्राईपोड भी नहीं लिया है, ऑर्डर दिया है मैंने, कुछ दिनों में आ जाएगा ट्राईपोड। तो इंशाल्लाह आपको ये जो मेरी वीडियो हिलती हुई नज़र आ रही है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। आप भी इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी रेसिपी। आज मैं टिंडे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बस मौसम भी है, टिंडे भी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी हैं, नमक लिया है, कोरिएंडर लिए हैं, हरी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, काली मिर्च ली है मैंने, हल्दी ली है, तेज़पात लिए हैं, लौंग लिए हैं, जीरा लिया है और शान का मैंने फ़िश मसाला लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस हम अपने प्याज में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज में सारा मसाला ऐड कर दिया है, देखें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी रेसिपी हमारी बन रही है। हमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि प्याज ना जल ना जाए, कढ़ाई से ना लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़िश को मैरिनेट किया है, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पे मैंने टिंडे और आलू शामिल कर दिए हैं, यहाँ पे अब मैंने दो टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है, 10 मिनट तक हम इसको भूनते रहेंगे ताकि सारा जायका जो हमारे प्याज का स्पाइसेस का है वो टमाटर, टिंडे और आलू में ऐड हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितनी ही प्यारी खुशबू आ रही है, वाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो मैंने इसमें कम पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। अब चम्मच हिलाते रहें ताकि अच्छे से पानी भी ऐड हो जाए सारी चीज़ों के साथ। तो अभी मैं इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी हम चम्मच से अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें ना मिक्स होती जाएं। अब मैं फ़िश को इसमें शामिल करूँगी, 15 मिनट तक हम इसको दम देंगे, क्योंकि हमारे आलू और टिंडे हाफ़ पक चुके हैं, आधे ये पक चुके हैं, आधे जब मैं इसमें मछली ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट पक जाएंगे। 15 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे और 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो आपकी मछली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी मछली लग रही है, फिश हमारी ज़बरदस्त से मैरिनेट हो चुकी है,
बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। अब हम इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। देखिए हमारी फ़िश रेडी है, तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सर्व नहीं करूँगी।